First, you make it very clear. Magnetic field line is a vector quantity. Again, we are entering back 9th standard. Magnetic field line is a vector quantity. पहले दिमाग में ये क्लियर कर दे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैज बोथ वैल्यू एंड इट हैज डायरेक्शन. व्हाट वैल्यू डज इट हैव? गॉड नोज. व्हाट एवर वैल्यू, वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड. पहले बेसिक्स, आई एम रिपीटेड, बेसिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, डायरेक्शन. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, विल सी दिस लेटर. ओके, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ डू यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. लेट मी एक्सप्लेन. अज्यूम, आई एम रिपीटेडली टेलिंग, एवरी पॉइंट यू हैव टू मेक अ नोट. 1000 थिंग्स आर देयर इन मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर. एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विल कम. यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. अज्यूम करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर. करंट इज फ्लोइंग, ब्लोइंग मत बोलना. अज्यूम करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर. इन अ स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, सो हाउ, जस्ट सी, देन द क्वेश्चन इज हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड. यू नो वन थिंग वेरी वेल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट. यू नो वन थिंग वेरी वेल, व्हेनेवर करंट फ्लोज मैग्नेटिक फील्ड टेक्स बर्थ. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड इट टेक बर्थ. तो हम लोग वो नहीं डिस्कस कर रहे. वी आर डिस्कसिंग नाउ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. इट गिव्स अस द direction of magnetic field. Take everybody, as you have seen Mr. Khan, Salman Khan doing the ad of thumbs up. So same we are doing thumbs up rule. Right hand, take right hand, don't take left hand. It is wrong. Answer will be ulta. Taking left hand, answer will be ulta. Okay, the current gives the direction of the thumb. करंट का डायरेक्शन यानी थंब डायरेक्शन. करंट मतलब थंब. देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स. कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब सी आई विल टेल यू सी हियर. एवरीबडी विथ मी. यू टेक करंट कॉइल इज लाइक दिस. कॉइल मतलब वायर, वायर मतलब कंडक्टर. भावना इज इंपॉर्टेंट. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. सी द फिंगर्स. ये ऐसा जाके ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे. एट दिस पॉइंट आई ड्री ओनली एट वन पॉइंट. एट दिस पॉइंट सी नो, ऐसे. सी हियर, करेक्ट. सो सी द डायरेक्शन, इट इज लाइक दिस. I'll draw one more like this. At this point, I'm drawing. So you have to understand. You have to feel it. Wait. I'll try to give you a feel. Wait. I'll try to give you a feel. We'll take a rough page. I'll give you the good feel. Let me take a rough page. You'll understand better. Yeah. See. Sir, what is the strength of the magnet measured in Tesla? I told you, no. मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टेस्ला. एस्टरडे वी डिड. प्लीज रिमेम्बर, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट मतलब स्ट्रेंथ. वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू. स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टेस्ला. दिस इज एसआई यूनिट. प्लीज डोंट फॉरगेट ऑल दिस. इधर लिखा. ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट ऑल दिस. एट एनी कॉस्ट डोंट फॉरगेट ऑल दिस. प्लीज क्लियर है मैं क्या बोला? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. आई वॉज अबाउट टू गिव यू फील. लेट मी टेक अ pen. Let me take this page. Both side I don't have plane. 1 minute, it's okay, does not matter. Okay, let me take one page here. It's a good page, that is okay, but that's totally okay. Yes, your marks only are there. Dravya, Kriya, Priya, Jeet, Sankal, Pankit. Okay,
and Mr. Amod. Okay. Anyways, I will take this page. Okay. This is my, what is this? This is my wire. This is my wire. So current is flowing like this. Now hold karega. Now hold kiya. Now assume this is straight. I know it is not stiff. That is okay. Bhavna is important. So current is flowing like this. Current is flowing like this. This is just this page. See, feel it. See, feel it. This is that wire. Oh, I hope you are able to see the wire. And I hope you are able to see the page. Page is just a reference point. Page is just a reference point. Okay. Now, how at this point, where the pen is meeting the page, the pen is intersecting the page here. Huh? At this point, I want magnetic field. This point, matlab this point. This point, matlab this point. Okay. Now, you just see, it is like this. Now, how are magnetic field lines? Curve. See, I am not able to draw here, but I will draw it here for you. So, magnetic field lines will be something like this. See, wait. Let me draw. Yes. So, see here. I will show you now. Don't worry, I will show you. So, this is that current flowing in a wire. This black color pen is a wire. Okay. At this point, if I want. So, see here. It will look like this. So, actually, this is straight. Actually, this is straight, but I am showing you for your reference. This is how magnetic field lines will look. You are able to imagine now? You are able to imagine now? Bol bachcha? Yes, no. Did you see it properly? I was on the other end, I don't know. Did you see it properly? It is this way, but yes. Feel aaya sabko? सबको अच्छे से फील आया, कॉन्सेप्ट का फील सबको अच्छे से आया. हाँ, विच फॉर्मूला डिड यू यूज? नॉट फॉर्मूला, सॉरी, वी आर यूजिंग डायरेक्शन, नॉट फॉर्मूला, डायरेक्शन. सो इट इज लाइक दिस. सी हियर, नाउ यू टेल मी. आई विल स्टिल गो डीपर. ओके, ऑल दीज आर 1-1 मैक्सिमम मैग्नेट के क्वेश्चन 3 मार्क के भी 1-1 मार्क में आएंगे, 4 मार्क के भी 1-1 मार्क में आएंगे. Every question of magnet में maximum questions will be 1 mark or 2 mark. They will only test your knowledge, that is subject understanding. If your subject understanding goes wrong, you will suffer. You will not be able to answer only. Now see, still deep I am going. Still deep I am going. This is point number 1, this is point number 2, this is point number 3, this is point number 4. You all draw like this. You do everything what as I am doing. Later when you will read, okay, that enlightenment feeling should come. Cut, okay. Now, I have a question. 1 pe jyada strength hai, 2 pe jyada strength hai, 3 pe jyada strength hai, ya 4 pe jyada strength hai? Strength magnetic field ka kidhar jyada hai? Where is the strength of the magnetic field more? 1, 2, 3, 4. Obviously, great answers by kids. Very good, great answers. Good, Ibrahim. Answers are great. That is 1. So what do you understand? Answer is 1. Okay. Symbol. Please understand. Symbol. Make a note of all this. Symbol of magnetic field is B. Symbol of magnetic field is B. Capital B. Do not forget. Full chapter I will use this. Symbol of magnetic field is B. This is not there in textbook. I am telling you now only. Abhe textbook mein toh dunya ki cheez nahi hai. Toh textbook mein padhega toh kuch milega hi nahi. Main abhi bata raha hu. टेक्स्टबुक में तो है ही नहीं. और द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी. नाउ इट मींस बी एट 1 इज ग्रेटर देन बी एट 2 इज ग्रेटर देन बी एट 3 इज ग्रेटर देन बी एट 4. डू यू एग्री? मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. मेक अ नोट. डू यू एग्री विथ ऑल दिस? स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल. मे आई रब द बोर्ड? स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेल. मे आई रब द बोर्ड? 1 minute sir, we are copying. Kar copy. Okay, kar copy kar. No hurry. No hurry. Kaise lag raha hai? Subject kaise lag raha hai? Pura alag hai na? Subject kaise lag raha hai? Pura alag hai?
नो 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 मनन यू प्लीज कॉपी. नेवर हर्ड ऑल दिस मत बोल, स्कूल में पढ़ाए. सी यू टेल मी वन थिंग, आई गिव यू मस्ट फील, आई गिव वन मस्ट फील, एक मस्ट फील देता हूं. ये सब क्यों पढ़ रहे? व्हाई आर वी स्टडिंग ऑल दिस? सी फाइनली व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम द चैप्टर, सी व्हाट इज माय मेजर आउटकम, नॉलेज ओके क्रिया एग्रीड नॉलेज, बट फ्रॉम द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिया क्रिया फ्रॉम द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई आर वी करेक्ट. आरव करेक्ट बोला, आरव नहीं गधा, आरव करेक्ट बोला. नो नॉट प्रैक्टिकल, आरव करेक्ट बोलता है. आई वॉन्ट टू स्टडी मोटर. ये सब झगड़ा किसके लिए? सी द ब्यूटी बॉस, सी द डेप्थनेस ऑफ द सब्जेक्ट. सर व्हाई आर यू स्टडिंग ऑल दिस? आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ अ मोटर वर्क्स. मोटर मोटर तो मेरे को मालूम है, दुनिया में ज्यादा हर जगह मोटर है ना. गर्मी लगती है फैन के लिए मोटर है, एसी के अंदर भी मोटर है. वी आई वॉन्ट यू टू टीच हाउ अ मोटर वर्क्स. फॉर मी टू टीच हाउ अ मोटर वर्क्स आई एम क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड. दिस इज बैकग्राउंड व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड. सो यू डोंट गेट दैट फीलिंग. सर ये क्या कर रहा है? बोलते आखिर चाहता क्या है? व्हाट आर यू, व्हाट डू यू वांट? आई होप आई एम क्लियर. आर ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर. व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? चलो आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन नाउ. चलो आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं तेरे को. हाँ दिस इज दिस ऑल्सो हैज कमिंग एग्जाम. वेट वेर इज दैट क्वेश्चन? आई हैड सीन लास्ट ईयर. होल्ड ऑन, दिस ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ देख बरोबर. सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड. जस्ट सी आई एम रनिंग द बोर्ड. सो आई होप थम्स अप रूल इज क्लियर. डोंकी डोंट राइट थम्स अप, राइट राइट हैंड थम रूल. हाँ बच्चा जस्ट सी योर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. हाँ ये ऐसा है, करंट फ्लोइंग, आई एम फ्लोइंग द दिशा. सी सी द ब्यूटी. आई फ्रेम टू क्वेश्चन. लेट मी सी हु हैज द केपेबिलिटी टू थिंक डीप, एकदम डीप. ए बी सेम, ए बी वायर वन वायर टू. एट दिस पॉइंट पी द डिस्टेंस इज आर. सेम एट दिस पॉइंट पी द डिस्टेंस इज आर. ओके हाउ इज मैग्नेटिक, एग्जाम में पूछेगा दे लास्ट, हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड और वॉट इज द डायरेक्शन. हाउ इज नको रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा. वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी. बोथ फॉर वन एंड फॉर टू, बोथ आर सेम बोथ आर डिफरेंट. डायरेक्शन आर सेम एंड डिफरेंट वो जाने दे. वॉट इज द डायरेक्शन, वॉट इज द डायरेक्शन एट पी हो तो बोल. यहां पे एंड यहां पे डायरेक्शन कैसा है? नाउ आई विल सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल टेस्ट योर ब्रेन. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मत बोलना, लेफ्ट राइट मत बोलना. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मत बोलना, लेफ्ट राइट मत बोलना. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी मत बोलना. एट पॉइंट पी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रॉन्ग आंसर. अपवर्ड डाउनवर्ड है ही नहीं, दोनों का डायरेक्शन ही सेम. आई थिंक गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रॉन्ग. देर इज नथिंग कॉल्ड एज नॉर्थ एंड साउथ हियर. नो एवरीबडी इज रॉन्ग. सर्क्यूलर सेम डायरेक्शन, एवरी वन इज रॉन्ग. रॉन्ग 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 रॉन्ग. टेल मी नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. सेम वे सेम वाले है क्या वो तो बोल, बाद में सेम बोल, पहले ये तो बोल है क्या. सेम जाने दे. वन इज रॉन्ग रॉन्ग नमन रॉन्ग. कम ऑन इट्स अ चैलेंज. सी दिस इज चैलेंज नाउ. हु एक्सेप्ट चैलेंज एंड हु विल आंसर. बोथ आर ऑपोजिट. नो आई डोंट वॉन्ट डिस्कस दैट, बट आई एम नॉट आस्किंग दैट. वेरी क्लोज, फ्यू पीपल आर वेरी क्लोज. सर बी वन बी टू नहीं 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 वो सब नहीं. सर फर्स्ट का उल्टा किया. नहीं नहीं ऐसा मत. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. डोंट टॉक लाइक दिस सर. जस्ट यू सी हाउ यू शुड आंसर.
See how you should answer. It's okay. Nothing to feel bad if you are wrong. That is totally okay. You take here, you take thumbs up. You take the curl of the fingers. You take the curl of the fingers and see where it is hitting. See, take the curl and see where it is hitting P. See, P ko kidhar lag raha hai wo? Inside the paper. Matlab inside the board. Inside the board. Inside the board. Mera board hai. Tera kya hai? The direction of P of magnetic field at point P is inside the board. Do you agree? Do you agree inside the board? What will you write in exam? What will you write? Inside the board you will write. What will you write? Inside the board you will write. Inverse mat likhna. Aisa mat likhna. Inside the paper likhna. Inside the paper likhna. Paper. Kyunki tu exam paper pe likh raha hai. Now you tell. I think so. Now you understood. You tell this now. Now you tell this. I think so. इनवर्ट ठीक है बट हाँ ठीक है भावना समझ गया. नाउ यू टेल दैट आउटसाइड द पेपर करेक्ट है आउटसाइड द पेपर करेक्ट आउटसाइड द पेपर आई थिंक सो यू गॉट व्हाई सीयर सीयर ना सीयर आई कम दिस साइड सीयर बाहर आ रहा है सीयर बाहर आ रहा है सीरीज बाहर आ रहा है सो आउटसाइड द पेपर सी द डायरेक्शन. See, you have to play according to the direction. Bahar, outside the paper. Outside the board, outside the paper, jo bhi hai. I hope you are getting the concept right. I hope you are getting the concept right. Haan ya na to bol. So, one big question has come. Let me have a look. Let me have. Sir, tell that example you told in 11th standard about screw. Haan, wahi wahi, bataunga. करेक्ट करेक्ट मैं बताऊंगा मैं अभी आया नहीं उधर शांति रखो आने का है नहीं मैं बताऊंगा. मैक्सवेल स्क्रू रूल मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल सी इधर यू कैन टेल आई टेल दैट अभी आया नहीं वो नमन स्टिल वी हैव टू डिस्कस दैट डोंट वरी आई गिव दैट फील टू एवरीबडी. नाउ सी हियर आई एम नॉट डन येट Just see peacefully. There are lots of things in detail. Now, this was applicable when current was straight and magnetic field was like this. But is it necessary that the current flowing will always be in a straight line? Why can it be ulta? So in this case, what I did, thumb was what? See, very important. This is very important. Pura 12th ka isi ke upar tika hua hai. 12th स्टैंडर्ड इसी के ऊपर टिका हुआ है पूरा 12th में यही पढ़ने वाला है वापिस से रिपीट वर्ड टू वर्ड इट विल बी रिपीटेड. थंब गिव करंट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इज इट नेसेसरी दैट करंट इज ऑलवेज स्ट्रेट मतलब करंट फ्लोइंग इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन. इज इट नेसेसरी करंट फ्लोइंग इज ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन. नो भूमि फादर नो ओके सो व्हाट विल हैपन जस्ट सी नाउ करंट कैन बी फ्लोइंग लाइक दिस ऑल्सो सर्कुलर कैन करंट बी सर्कुलर यस और नो. एग्जाम्पल मैं फील देता हूं करेक्ट ये ऐसा है इधर वायर है करंट इज कमिंग लाइक दिस गोइंग लाइक दिस करंट इज फ्लोइंग सर्कुलर. वायर ऐसा नहीं हो सकता गोल. वायर ऐसा हो सकता है गोल. करेक्ट. नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन मींस इफ आई टेक फ्रंट सी दिस इज लाइक दिस If I bring this towards you, current is flowing circular. Do you agree? Current is flowing circular now. If I bring the other way around, ये वायर था ऐसा, इसको ऐसा घुमाया. फील आया नहीं आया पहले बोल.
फिर आया नहीं आया, लाइक अ स्प्रिंग, लाइक अ स्प्रिंग. नाउ यू सी इन दिस केस इफ करंट इज सर्कुलर, करंट इज सर्कुलर, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम शोइंग, करंट इज सर्कुलर. सी दीज आर कॉन्सेप्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएशन शुड हैव. यही क्वेश्चन सब एग्जाम्स में आएंगे. करंट इज सर्कुलर. नाउ व्हेन करंट इज सर्कुलर देन कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर इज करंट. सी थम्स अप रूल ओनली, कर्ल ऑफ फिंगर इज करंट. उल्टा हुआ, सी कर्ल ऑफ फिंगर्स लाइक दिस, लेट मी से लाइक दिस, कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल, कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स. सी द थम बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द थम्स बिकम मैग्नेटिक फील्ड, थम, थम बिकम मैग्नेटिक फील्ड. बोल क्या उल्टा हुआ, बोल बोल क्या उल्टा हुआ. थम में करंट था, या पे थम मैग्नेटिक फील्ड हुआ. सर वाइस वर्सा, सर वाइस वर्सा हुआ सर, करेक्ट है. नाउ यू टेल मी, सी अप स्लोली, करंट इज सर्क्यूलर, कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर, कर्ल ऑफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज अंदर, अंदर, करेक्ट नो. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इनवर्ड मतलब इनसाइड द पेपर, एज समवन हैड टोल्ड इट, सर इनवर्ड्स भी चलता है. बोथ आर थम्स अप रूल, मतलब थम्स अप रूल मत लिखना, राइट हैंड थम रूल लिखना. सो इज देयर एनी फिक्स्ड की यही करंट और यही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ फिक्स है क्या, यही करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ फिक्स है क्या. नो, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो. ये भी करंट हो सकता है, ये भी करंट हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन वॉट, कम ऑन, ये एंड ये, एनी वन कैन बिकम करंट. इट डिपेंड्स ऑन वॉट, कम ऑन टेल मी, इट डिपेंड्स ऑन वॉट, सिचुएशन. सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. सिंपल, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. Did I give you a perfect understanding of the subject now? Did I give you a perfect understanding of the subject? Doubts are welcomed. Doubts are welcomed. Copy properly, make a note. I am repeatedly telling you. Please make a note of all these things properly.